हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सन 2018 का हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक का हमारे पास मॉडल है, जो कि स्टार्ट होने पर हमारी जो हेडलाइट है वो डायरेक्ट रहती है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये अभी हम चालू कर रहे हैं। जैसे ही हम बाइक चालू करते हैं तो हमारी जो हेडलाइट है वो डायरेक्ट रहती है। हेडलाइट को बंद करने वाली जो स्विच है दोस्तों, वो हमारे हैंडल में कंपनी वालों ने नहीं दिए हैं, बस ये अपर डिपर होता है, लेकिन हेडलाइट बंद नहीं होती है। लेकिन काफ़ी सारे भाई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सस्ती वाली 50 रुपये की स्विच लगा देते हैं, जिससे हमारी जो बाइक का लुक है वो भी ख़राब हो जाता है और वह स्विच अच्छी भी नहीं लगती है। तो हमको क्या करना है और एकदम प्रोफेशनल तरीके से हमारी जो हेडलाइट है इसको बंद चालू कैसे करना है, अभी हम आपको बता देते हैं दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जैसे ही हमारी बाइक चालू होगी वैसे ही हमारा हेडलाइट चालू रहेगा। इसके लिए हमको ऐसा वाला स्विच कबाड़ी से खरीद के ला लेना है, जो कि अभी हमने ये ला लिए हैं। अगर ये कबाड़ी में नहीं मिलता है तो पुराने गैरेज में आसानी से आपको मिल जाएगा, जिस स्विच के ऊपर में ये अपर डिपर स्विच और ये बंद चालू वाला होगा। दोस्तों सेम टू सेम यही कवर हम अपनी बाइक में आपको लगाकर बताएंगे, ताकि आप भी कम बजट में अपनी बाइक में एकदम प्रोफेशनल काम कर पाए दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये वाला स्विच हमने कबाड़ी से मात्र 50 रुपये में खरीद कर ला लिए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का दिख रहा है दोस्तों, जिसको अभी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इसमें दो स्विच है, इसमें अपर डिपर भी है और बंद चालू करने वाला है। लेकिन कंपनी के तरफ से जो स्विच आया है इसमें सिर्फ अपर डिपर वाला है, बंद चालू करने वाला नहीं है दोस्तों, ये देख सकते हो आप। तो हम इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देंगे, ताकि याला स्विच आप अपनी न्यू मॉडल 18 मॉडल 19 मॉडल बाइक में लगा सको दोस्तों, स्प्लेंडर प्लस बाइक में। इसके लिए बस आपको एक सोल्डर आयरन की जरूरत पड़ेगी, तो फटाफट से इसको लगाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों कि किस प्रकार हम इसको हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक में लगाते हैं। तो हमको सबसे पहले दो नट खोल करके याला जो स्विच है इसको निकाल लेना है आसानी से, और फिर याला कैसे लगाते हैं हम आपको बताते हैं, वीडियो में आप बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आप ये पूरा नया लेते हो दोस्तों किसी भी ऑटो पार्ट दुकान से, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा खर्च आ जाएगा, 500 रुपए का खर्च आ जाएगा। इसलिए आप जुगाड़ में ला लीजिएगा, पुराने मैकेनिक के पास ये आसानी से मिल जाता है, या फिर कबाड़ी में बहुत सारी बाइकें खड़ी रहती है उनसे ये आसानी से आपको जुगाड़ में 50-60 रुपए का मिल जाएगा दोस्तों। तो इसको कैसे लगाते हैं अभी हम आपको बता देते हैं, आप स्विच का बहुत ही अच्छी तरीके से जुगाड़ करके ला लीजिएगा दोस्तों। तो ये देख सकते हो दोस्तों, न्यू मॉडल बाइक में जो स्विच लगी थी इसकी अपर डिपर स्विच निकाल ली है हमने, जो कि कुछ इस प्रकार की है। अब हमने इसकी भी, जो हमने कबाड़ी से खरीद कर लाए हैं ये वाली स्विच की, इसकी भी अपर डिपर स्विच निकाल लिए हैं दोस्तों। और अब हम सोल्डर से इसका रेड वाला वायर निकाल लेंगे, ये कुछ इस प्रकार यहाँ से ये वाला वायर निकल जाएगा। और अब हमको क्या करना है, हमारी जो बाइक के साथ में अपर डिपर स्विच आई हुई है ये वाली, इसको हम कुछ इस प्रकार यहां से ऐसा लगा देंगे दोस्तों। और ये जो एक नट है इसको यहां पर कस देंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी और आसान तरीके से लग जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हो, हमारी जो बाइक के साथ में स्विच आई थी ये वाली स्विच, इससे हमने अपर डिपर स्विच निकाल करके हमने जो कबाड़ी से खरीद के लाए थे स्विच उसमें ये फिट कर दिए हैं। और अब हमने ये कबाड़ी से स्विच लाए थे उसमें जो अपर डिपर लगी हुई थी इसको निकाल करके हटा देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो दो वायर हैं दोस्तों, ये जो दो वायर है ये पहले से इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी जो बाइक है न्यू मॉडल वाली, इसमें जो पीला वाला वायर इनपुट हुआ है अपर डिपर स्विच में दोस्तों, जो कि हमारी लाइट सामने की डायरेक्ट जलती थी, इसको यहाँ से निकाल करके हमको ये बंद चालू वाली स्विच में डाल देना है। और यहीं से जो एक आउटपुट रेड वाला वायर है वो ये पीले वाले वायर की जगह में जोड़ देना है दोस्तों। तो फटाफट से जोड़ देते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार हमने जोड़े हैं। तो यहां से सबसे पहले येलो वाला वायर हम निकाल लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार निकल जाएगा दोस्तों। ये येलो वाला वायर हमने ये अपर डिपर स्विच से निकाल लिए हैं, और अब हम याली स्विच का, जो ये बंद चालू वाली स्विच है इसका आउटपुट वाला रेड वाला वायर है, इसको यहां पे जोड़ देते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार जुड़ जाएगा दोस्तों। और अब हमको क्या करना है, ये जो पुरानी स्विच में पीला वाला वायर है इसको यहाँ से हम निकाल देंगे, ये पीले वाले वायर को निकाल दिए हैं। और ये जो पीला वाला वायर अपर डिपर स्विच में लगा हुआ था दोस्तों, जिसको अभी हमने निकाले हैं, इसको जोड़ देंगे यहाँ पर पे, जहाँ से अभी हमने ये वाला पीला वाला वायर निकाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार जुड़ जाएगा दोस्तों, ये देख सकते हो आप।
अब हम आपको एक बार और वायरिंग इसकी दिखा देते हैं। ये जो पुराना वाला स्विच है दोस्तों हमारा, इसमें बंद चालू वाली स्विच नहीं थी, तो हमने कबाड़ी से जो खरीद कर लेकर आए हैं इसमें बंद चालू वाली स्विच है दोस्तों। इसमें हमने क्या करे हैं, अपर डिपर वाली जो स्विच है वो ओरिजिनल वाली जो स्विच थी हमारी, इससे निकाल करके लगा दिए हैं। और इसमें जो पीला वाला वायर यहाँ पे लगा हुआ था दोस्तों, इसको हमने निकाल करके ये बंद चालू वाली स्विच के इनपुट में डाल दिए हैं। और यहीं से जो आउटपुट हुआ है रेड वाला दोस्तों, तो हमने जहाँ पे पीला वाला लगा था वहाँ पे इसको जोड़ दिए हैं। तो ये जो हमारी स्विच है दोस्तों, इसके कनेक्शन हो चुके हैं कम्प्लीट। अब हम इसकी जो पट्टी है वो लगा देते हैं ताकि इसका वायर इधर उधर निकले ना। और इसके बाद हम इसको हमारी जो बाइक है वहाँ पर फिट करके बताएंगे, कि आप भी अपनी बाइक में संपूर्ण वीडियो देखने के बाद ये वाली स्विच लगाएं दोस्तों। और ये स्विच लगाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई स्विच इसकी बदले हैं। तो इसको अब हम फटाफट से हैंडल में लगा लेते हैं। हैंडल में जैसे हमने खोले थे वैसे ही सेम टू सेम इसको लगा लेना है दोस्तों, जो कि कुछ इस प्रकार हम इसको लगा लेंगे। यहाँ से ये दो नट जो हमने खोले थे, ये दोनों नट को हम लगा देंगे दोस्तों। एक इधर में लग जाएगा और एक इधर में लग जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हो, हमारी जो न्यू मॉडल हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है, इसमें पुराना स्विच जो है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार था। लेकिन अभी हमने कबाड़ी से जो खरीद के लाए हैं वाला स्विच इसमें फिट कर दिए हैं। अब ये किस तरीके से वर्क करता है आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बाइक चालू करते हैं। ये बाइक हमारी हो चुकी है चालू दोस्तों, और अभी हमारा हेडलाइट चालू है, लेकिन हम याली स्विच से बंद करेंगे तो हमारा जो हेडलाइट है वो बंद हो जाएगा। यानी कि हमारी जो बाइक चालू रहेंगी तो हम अपने हेडलाइट को बंद चालू कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो आप भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी न्यू मॉडल स्प्लेंडर प्लस बाइक है उसमें ऐसा वाला स्विच लगा सकते हो दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम खर्च में आपको पुरानी ऑटो पार्ट की दुकान या फिर किसी भी मैकेनिक के पास या फिर कबाड़ी में आसानी से मिल जाएंगी, जो कि लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हमने आपको आज के इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।